आज हम शाम्स हॉस्काट ये लेसन को समझेंगे। यहाँ लिखा है लुक लिसन एंड रीड अलाउड। देखिए, सुनिए और उसे दोबारा जोर से बोलिए। श्याम स्टार्टेड इन हिज हॉर्स कार्ट टू गो टू द फेयर। श्याम स्टार्टेड इन हिज हॉर्स कार्ट मीन्स वो अपने घोड़े की सवारी पर, जिसे हम टांगा भी कहते हैं, उस पर बैठकर कहाँ जा रहा था? टू द फेयर, मतलब मेले में जा रहा था। ऑन द वे मधु एंड मीरा सेड, कैन वी कम। उसे रास्ते में कौन मिल गया? मधु और मीरा। और मधु और मीरा उसे पूछते हैं, कैन वी कम, क्या हम भी आ सकते हैं? तो श्याम कहता है, ओ यस सेड श्याम। तो श्याम ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। नाउ अब वो आगे चलते हैं। जब वो आगे जा रहे तो अब क्या वो देखते हैं? द डॉग सॉ देम। अब वहां पर जो एक कुत्ता बैठा था उसने भी श्याम को देखा। अब वो कुत्ता उसे कहता है, ही आस्क्ड कैन आई कम। कुत्ता श्याम से पूछ रहा है, क्या मैं भी आ जाऊं? तो श्याम कहता है, ओ यस सेड श्याम। श्याम ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल तुम भी आ जाओ। दे वर गोइंग थ्रू द फील्ड्स, मतलब अब श्याम जो है मधु मीरा और उस कुत्ते के साथ फील्ड्स, जो खेत होते हैं, उनमें से गुजर रहा था। और उसे वहां क्या मिलता है? द पीकॉक सॉ देम एंड आस्क्ड। अब उसे वहां पर एक मोर मिल गया और मोर श्याम से पूछता है, कैन आई कम टू द फेयर। अब वो भी श्याम से पूछ रहा है, क्या मैं आ सकता हूँ मेले में तुम्हारे साथ? तो श्याम कहता है, ओ यस सेड श्याम, कम टू द फेयर, क्या मैं तुम्हारे साथ मेले में आ सकता हूँ। फिर आगे चलते हैं। When they were crossing the river, अब एक नदी थी जिस नदी को वो पार कर रहा था। जब वो नदी पार कर रहे थे तब क्या हुआ? तब the frog asked, can I come to the fair? अब उन्हें एक मेंढक मिल गया। तो अब श्याम के साथ उसके टांगे पर कौन कौन है? श्याम है, मधु, मीरा, कुत्ता, मोर। अब उन्हें एक मिला है मेंढक। वो मेंढक क्या कहता है? द फ्रॉग आस्क्ड, मेंढक पूछता है, कैन आई कम टू द फेयर, क्या मैं आ सकता हूँ मेले में? तो श्याम ने कहा, ओ यस सेड ऑल ऑफ देम। अब सिर्फ श्याम नहीं, सब कह रहे हैं, ओ यस, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर श्याम ने कहा, श्याम सेड, कम एंड सिट नियर मी, आओ और मेरे पास बैठो। क्योंकि मेंढक छोटा सा होता है, तो श्याम ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ और मेरे पास बैठो। They saw the fair from a distance. उन्हें दूर से ही मेला अब दिखाई देने लगा। From a distance, दूर से मेला दिखाई देने रहा। The peacock was so happy. तो मेले को देखकर जो वहाँ पर मोर था वो बहुत खुश हो गया। It spread its feathers and started dancing. जैसे मोर बारिश में खुश होकर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं, वैसे ही मोर अब यहाँ पर खुश होकर अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। पर जब उसने अपने पंख फैलाए, But one feather touched the dog's ears. तब एक पंख जो है वो कुत्ते के कान में जाकर उसे शायद खुजली करने लगा, उसे गुदगुदी करने लगा। तो he sprang up, वो जोर से उछलता है। He sprang up मतलब उछलना, जोर से उछलना। And barked loudly, और वो जोर जोर से अब भौंकने लगता है। मधु was frightened, उसको भौंकता सुनकर अब मधु डर गई। मीरा fell on the frog, मधु डर गई और मीरा जो है वो मेंढक पर गिर गई। The frog fell on the horse, मेंढक अब घोड़े पर गिर गया। The horse was so frightened that he ran helter skelter, वो जो घोड़ा था वो इतना घबरा गया कि वो हर तरफ बिना देखे बिना कुछ समझे इधर उधर भागने लगा। हेल्टर स्केल्टर मतलब जब आप बिना कुछ समझे बिना कुछ देखे इधर उधर भागने लगते हैं तो उसे कहते हैं हेल्टर स्केल्टर। The horse was so frightened that he ran helter skelter। ये दो शब्द कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे, हेल्टर या खाली स्केल्टर नहीं मिलेगा, इसे हमेशा एक साथ बोलते हैं। हेल्टर स्केल्टर मतलब इधर उधर भागना, जैसे हम इधर उधर कहते हैं वैसे हेल्टर स्केल्टर। फिर श्याम फेल ऑफ, Then Madhu and Meera also fell off. One by one, all of them fell off. तो अब श्याम भी गिर गया, फिर मधु और मीरा भी गिर गए, एक एक करके सब के सब गिर गए, नीचे गिर गए।
द हॉर्स केप्ट रनिंग एंड स्टॉप्ड व्हेन इट रीच्ड नियर द फेयर। अब घोड़ा तेजी से भागने लगा और जब मेले के पास आया तब जाकर वो रुक गया। श्याम, मधु, मीरा, द डॉग, द पीकॉक एंड द फ्रॉग वर ऑल पैंटिंग व्हेन दे रीच्ड। अब वो सब नीचे गिर गए हैं, तो अब क्या करें? कौन कौन है वो? श्याम, मधु, मीरा, द डॉग कुत्ता, द पीकॉक मोर एंड द फ्रॉग मेंढक वर ऑल पैंटिंग, मतलब अब ये भाग भाग कर घोड़े के पीछे जा रहे हैं। और पैंटिंग का मतलब है हांफना। जब हम भागते हैं तो हम जोर जोर से हांफने लगते हैं, तो उसे कहते हैं पैंटिंग। व्हेन दे रीच, जब वो पहुंचे तब वो जोर जोर से हांफ रहे थे। टिल देन द हॉर्स बिकेम क्वाइट, तब तक जो घोड़ा था वो शांत हो गया था, चुप हो गया था, एंड रिलैक्स्ड, चुप होकर शांत हो गया था। इन द इवनिंग दे रिटर्न्ड हैप्पीली इन द हॉर्स कार। शाम को वो सब खुशी खुशी उसी घोड़े घाड़ी पर, उस टांगे पर बैठकर अपने अपने घर चले गए। रिटर्न्ड हैप्पीली इन द हॉर्स कार्ट। तो इस तरह हमने आज शाम्स हॉर्स कार्ट, शाम की टांगा या शाम के घोड़े घाड़ी के बारे में हमने आज सीखा है। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। Do remember to like, share, subscribe and click the bell icon to stay updated on all of the latest videos. Please let us know in the comment section below what other lessons you would like us to make. We would love to hear from you. Thank you for watching.